गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। अंजन सुत वंदन करूं महावीर बजरंग तुम सदा सहायक दीन के सुर हे हमेशा संग रहे हमेशा संग राम की करी सहाय जी महाराज की जय। करता करे न कर सके गुरु किए सब होए सात दीप नब खंड में गुरु से बड़ा न कोई। कौथिलेश मिथिलेशरी सिद्ध करें मम काम बाणी वर्णन के प्रथम बोली सियापति राम। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। बोली जहरवीर भगवान की जय। माति मनाऊ सरस्वती माँ करो कंठ में बास निपट अनाड़ी हूँ मैया मैसरी को बांगड़ी वाले देवता जो मेरी में होए पानी पिए तेरे जोहर को बाबा सुरहे भूलन में भूलन में मेरी बनी कोई सिंह बरने उनहार कोई कोई सुगरा मेरी चिन्ह गयो कोई दई साचे मेरा। बोली जहरवीर भगवान की जय। बोलिए सिद्ध बाबा गुरुनाथ की जय। आ जाइए सर्वप्रथम गुलशन कैसेट चौपला के माध्यम से आपके समक्ष में बाबा जहरवीर जन्म कथा ध्यान देंगे। उसके पहले दो माँ के लिए लाइने क्या लिखी हैं रामपाल जी ध्यान देंगे भैया। अरे चलिया तनी कई सारे मेरी मैया शेरा वाली मैया सेरा
बारे में मेरी मैया
अजय भक्तों, सर्वप्रथम हमारे समस्त स्टाफ कलाकारों का परिचय ध्यान देंगे। अरे रामपाल भ्राता ढोलक को बजावे, मधुरी ढोलक बजाई, कल्याणपुर के जे बस भैया तुम कौन रहे बताई। अरे बर्दिया कोठी के पास है भैया, कल्याणपुरा बतलाई, मधुरी ढोलक बजाई रही भैया तुम्हें रही रजपुरा रहे बताई। अरे सुंदर चिमटा बजाए रहे भैया कथा रहे दरे।
पाजी और हमारे भैया जो डमरू बजा रहे हैं दीपू भैया। अरे अरे दीपू भ्राता डमरू बजावे सुंदर डमरू बजाई। अरे ग्राम कुदरे लेके जी बस भैया कल्याणपुर से नाल पर संगति कर रहे हैं चिमटा पर भूरे भैया रजपुरा से और हमारा साथ दे रहे हैं मनोज यादव जी सनोज यादव जी नगला मलहा बसरेर के पास से। भक्तों ध्यान देंगे जो लंगाड़ा बजा रहे हैं हमारे भैया सुभाष कदमपुर साला पूसरा हर के पास से और ध्यान देंगे जो डमरू बजा रहे हैं हमारे भैया दीपू भैया ग्राम कुदरेल से और भी हमने आ रहे। अरे यीशु शास्त्री नाम हमारो हम कथा रहे बतराई। अरे यीशु शास्त्री नाम हमारो हम कथा रहे तरसाई। अरे ग्राम कुदरेल के सभी भक्तों हमारे समस्त
श्रोता बंधुओं, जैसा कि जनता की विशेष मांग पर, तो आ जाइए बाबा जहरवीर की जन्म कथा के बारे में ध्यान देंगे। भक्तों, इस कलयुग में इस शक्ति का कैसे अवतार हुआ? इधर गुलशन कैसेट चौपला वाले, ये हमारी रिकॉर्डिंग समस्त पहुंचा रहे हैं। ध्यान देंगे भक्तों, कलयुग में इस शक्ति का कैसे अवतार हुआ? बाबा जहरवीर राजस्थान प्रांत, एक जिला पड़ता है चूरू, तहसील भादरा, उसी के अंतर्गत एक बाबा जी का छोटा सा ग्राम पड़ता है भक्तों, ददरेवा। ददरेवा के राजा महाराज उमर सिंह चौहान राज्य करते हैं। उनकी धर्मपत्नी मैया रामकौर, रामकौर से 3 संतानों की प्राप्त हुई भक्तों, 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम जेवर सिंह, छोटे बेटे का नाम नेवर सिंह, 1 बिटिया जिसका नाम लला छबिलदे। ध्यान देंगे, आज धीरे धीरे दोनों बेटे बड़े हुए। महाराज उमर सिंह चौहान ने अपने दोनों बेटों की शादी सिरसा पाटल के राजा, जो भक्तों हरियाणा में पड़ता है, महाराज कौरबापाल, उनकी बेटी बड़ी बाछल व छोटी काछल। आज भक्तों बड़ी बेटी बाछल महाराज जेवर सिंह को ब्याही और छोटी बेटी काछल नेवर सिंह को ब्याही। आज दोनों जब बेटों की शादी करने के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए, महाराज उमर सिंह चौहान ने अपने बड़े बेटे जेवर सिंह को राज्य का उत्तराधिकारी मालिक बना दिया। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, कहां तक कहें, घर में शादी की 12 साल हो गई, लेकिन किसी भी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। ध्यान देंगे, इधर राजा जेवर सिंह आज कचहरी में बैठे हैं और क्या सोच विचार कर रहे हैं। दुखी हुए जेवर जी, दुखी हुए जेवर जी, लगत नहीं घर में जी कोई न भई संतान। साल व्यतीत हो गए, लेकिन किसी भी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। एक दिन की बात, आज बाछल मैया महलों में लेटी थी, प्रातःकाल की बेला में जैसे ही सुबह हुआ, तो आज बाछल मैया रुकमा देवांदी को पास में बुलाया और रुकमा देवांदी से कहा, बहन मेरा एक काम कर दो। आज रुकमा देवांदी बोली कि महारानी क्या काम है? आज बाछल मैया बोली कि बहन
जाओ कचहरी जाओ और मेरे महाराज को बुला करके लाओ। आज रुकमा देवांदी से बाछल मैया क्या बोली, अरे के बांधी सुगल कचेरे ने जा, अरे के बांधी सुगल कचेरे ने जा, नार मेरे पल में लियो ही आ, कचहरी जाओ मेरे महाराज को बुलाकर के लाओ। और क्या बोली, अरे कबांधी सुगल कचहरी ने जाओ, नार मेरे पल में लिए को सुना। आज रुकमा देवाली ने क्या किया भैया, अरे महल न सरे बांधी चली रे राजा की कचहरी जावे, चलते मरो राजा, अरे खंबला बेटा बेटा ले गई मेरी बांधी जतो सेजे सेजे बतला, प्यारे इधर क्या होता है मेरे भैया। आज रुकमा देवांदी क्या बोली, अरे सार के खेलैया राजा सारी, अरे तो एक ऐसी सार सुहावे, सुन
जरूरी काम हमें भैया रुकमा देवांदी महाराज जेवर सिंह की कचहरी पहुंची तो आज रुकमा देवांदी बोली कि महाराज अति शीघ्र कचहरी को बंद कर दो और आपको महारानी ने याद किया है। आज भक्तो जैसे ही खबर सुनी आज तो राजा जेवर सिंह ने कचहरी को बंद कर दिया, रुकमा देवांदी के साथ चल गई। आज जब पास में आई तो आगे आगे आज वांदी जा रही है, पीछे से आज महाराज जेवर सिंह जा रहे हैं। भक्तों जिस समय राजा जेवर सिंह महलों में पहुंचे तो आज वाछल मैया ने जब अपने पति को आता हुआ देखा, पचरंग पलंग को नवा दिया, एक मोर पंख का बीजना लेकर के आज राजा जेवर सिंह को बिठा लिया और डोरने लगी। राजा जेवर सिंह बोले, रानी आपने मुझे किस लिए याद किया है? बाछल मैया बोली, महाराज मेरी एक बात सुनो, पहले आप स्नान ध्यान करो, पूजा पाठ करो, उसके बाद हम सारी बात आपको बताएंगे। आज क्या किया है? नाए धोए ठंडे पानी गरम कराए, मासी अरे लेते समोए, नाई धोई पूजा करी राजा कोई दस चौका के अंदर, सवा पैर पूजा करी राजा डेढ़ पाँड ले आयो री, नाई धोई पूजा करी राजा दस चौका के अंदर। आज भक्तो राजा जेवर सिंह जब आ जाते हैं तो बोले, रानी अब मुझे बताओ किस लिए आपने बुलाया है? इधर आज बाछल मैया बोली, महाराज पहले मेरी एक बात और सुन लो, आप भोजन कर लो, उसके बाद हम सारी बात आपको बता देंगे। क्यों कहा था भैया? इसलिए कहा था कहीं अगर हम ऐसी बात राजा को बता देंगे तो इस भोजन भी नहीं करेंगे। तो आज राजा जेवर सिंह कैसे भोजन करते हैं भूरे भैया, और पहले के लोग कैसे भोजन किया करते थे वही बताते हैं। आजकल के भोजन कैसे करा लाला, आजकल तो जमाना ही अलग है, लेकिन राजा जेवर सिंह कैसे भोजन करते हैं वही आज बताते हैं। ध्यान देंगे प्यारे, करते हैं।
राजा भोजन परोसे कोई चांदी के लोटानी भोजन चांदी के लोटा गंगा जल नील बाछल मैया आज राजा देवराय के सामने लाई। और राजा विजयवर सिंह आज भोजन कैसे करते हैं ध्यान देंगे प्यारे। अरे पहलो कौर राजा धारा ने चढ़ाए दो कोई दूजो कौए जी जेवर सिंह ने धरती माँ को चढ़ा दिया, दूसरा कौर आज गौ माता को दे दिया, तीसरा कौर तोड़ा कुत्ता को दिया और चौथा कौर भगवान राम को दिया है। ध्यान देंगे आज राजा जेवर सिंह पांचवा ग्रास तोड़ते हैं क्या होता है भैया। अरे पांचवा कौर मुख में दयो राजा बेटा की सुध जाया सिंह रोने लगे भोजन करते समय। आज बाछल मैया बोली महाराज भला कोई भोजन करते समय रोता है जो आप रोए हो। आज बाछल मैया क्या बोली बुरी भैया। अरे कैसैया मेरे भोजन बिगड़े अब के बनी खाली आरे के पंचन में पतिया आरे राजा मको देव पते लाए री
अरे नाई त्रिया तेरे भोजन बिगड़े अब नावन खाली शिकारी पंचन में पतिया रे रानी तो रे आज राजा देवर सिंह बोले रानी मेरी बात सुनो मैं क्यों रोया हूँ सुनो अरे अन्न पीऊना सब घर सुना गुलशन भैया बस्तर बिनी सुनी जा कायारी अरे कंठ राग बिन कविता सुनी बेटा बिन सुनी मायारी Yeah, I know.
समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और समय पे निकलत धूप समय पे ही परसे पानी। आज मेरे भैया राजा जेवर सिंह भोजन करते समय रोने लगे। बाछल मैया बोली, महाराज भला कोई भोजन करते समय रोता है? आज राजा जेवर सिंह बोले, रानी तुम्हें नहीं पता मैं किस लिए रोया हूं। हमारी शादी के 12 साल हो गए हैं रानी, लेकिन किसी भी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया। आज मुझे इसी बात का कष्ट है रानी। आज भक्तों ध्यान देंगे, बाछल मैया बोली, महाराज बस इतनी सी बात पर आप रोए? अरे कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो महाराज। अगर मेरी कोख से किसी बालक या बालिका ने जन्म नहीं लिया तो आप महाराज दूसरी शादी कर लो। क्या कहा रानी? दूसरी शादी कर लो महाराज। अरे रानी, हाँ तुम कह रही हो दूसरी शादी कर लो, अगर ठीक तुम्हारे कहने पर मैंने दूसरी भी शादी कर ली और उसके भी कोई बेटी बेटा पैदा ना हुआ तो? तीसरी कर लियो महाराज। रानी, हाँ अगर हम तीसरी भी शादी कर लें और उसके भी कोई बेटी बेटा पैदा ना हुआ तो? चौथी कर लियो महाराज। रानी, हाँ क्या पागल हो गई हो? हम सही कह रहे हैं महाराज। तुम्हें नहीं पता? हाँ क्योंकि भगवान तो परम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर एक ही है। वो तो एक ही है। अगर देना होगा तो तुम्हें ही लाल दे देगा बेटी या बेटा, लेकिन हम चार चार शादी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं रानी, क्योंकि अगर किस्मत में मेरी नहीं है तो चार करने से भी कोई बेटी बेटा पैदा नहीं होगी। इसलिए मेरी बात सुनो महाराज। अरे मेरी कोख से नाई भय बालक पति करियो दूसरो प्यार होरी। खसे जन्मे लालेरी आरे जाओ करो रे रानिया गारे आबे बाके उदके जन्मे लालेरी। आज राजा जेवर सिंह बोले, सुनो रानी नष्ट हुई जाए री अरे तू जो पाप करे अबो रानी अबो मेरो लाए री। तुम मैया रही है अरज सुना
पाछल मैया बोली कि महाराज दूसरी शादी कर लो। और क्या बोले मैया? हाँ बोली बोरे भैया। हाँ रामपाल जी ध्यान देंगे प्यारे कि दो रोटी मोए देते रहियो हम त्यारोई लला खिलाऊंगी मैया बोली महाराज आप दूसरी शादी कर लो कोई ना कोई बेटी बेटा अवश्य पैदा हो जाएगा आपका नाम चल जाए कैसे भी राजगद्दी का। आज राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया रानी हमारा नाम चले या ना चले लेकिन हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। आज भक्तों जब इतनी बात राजा जेवर सिंह ने बाछल मैया से कही तो आज बाछल मैया बोली महाराज अगर आप दूसरी शादी नहीं करोगे तो मेरे पास एक और उपाय है। क्या उपाय है रानी? हाँ आज मैया बोली कि महाराज कैसे एक काम करो काशी नगर के भागवती ब्राह्मण हैं उनको बुलवाओ और अपनी और हमारी कोख की कर्म रेख बचवाओ कि हमारे और आपके कोई बेटी बेटा किस्मत में है या नहीं। आज भक्तों पाछल मैया क्या बोली ये ध्यान देंगे भैया। क्या बोले? अरे कसैया ब्राह्मण ले ओ बोलेबाई। क्या बात है रामपाल जी? भैया ब्राह्मण ले बुलबा बोल रही पाछल मैया री आ
मैया बोली, महाराज काशी नगर के भगवती ब्राह्मण है उनको बुलवाओ महाराज, हम और आप दोनों की कर्म रेख बचवाओ, बेटी बेटा है या नहीं है। आज राजा जेवर सिंह ने वैसा ही किया है भक्तों। अरे कबैया ए बसो ए ब्राह्मण ले गोरक्षनाथी की। ध्यान देंगे भक्तों, इधर आज राजा जीवर सिंह ब्राह्मणों को बुलवा लेते हैं, आसन डलवा दिए और जवाब दिया राजा जीवर सिंह ने ब्राह्मणों, कहिए पत्रा में देखो कि मेरे किस्मत में बेटी बेटा है या नहीं है। है तो कब तक है और ना ही तो कब तक नहीं है। अच्छा हाँ, आज मेरे भैया जितने ब्राह्मण वहां पर बैठे थे राज्यसभा में, आज अपना अपना पत्र खोल करके बैठ जाते हैं, लेकिन किसी के मुख से कुछ बात नहीं निकल रही है, क्योंकि राजा की किस्मत की एक ही बात लिखी थी। जो कह रहे हैं महाराज, हाँ बड़े आदमी की बात छोटो आदमी कहने में दबता है। सही कहा था लला, कैसे कहते हैं। आज भक्तों राजा के सामने कोई भी ब्राह्मण मुंह खोल करके नहीं खड़ा हुआ, लेकिन उनमें से एक ब्राह्मण ऐसे थे बूढ़े बाड़े हमारे लंगाड़े वाले भैया जैसे। ठीक कहा महाराज, उन्होंने कहा कि हमें आज नहीं तो कल मरना तो मरना ही है बूढ़े भैया। हाँ। लेकिन मेरे जो किस्मत में लिखा है वो हम सत्य ही बताएंगे। तो आज उन्होंने खड़े होकर क्या जवाब दिया है भूरे भैया, क्या बोले। अरे एक ब्राह्मण बेटा यो उठ बोलो राजा सुन ले मेरी बात। ज्योत जागरण आजकल गायकों ने भंडार खोल लिया है, अपना अपना भूरे भैया ज्योत सब बजाते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव पिंटू गोस्वामी अनुज गोस्वामी उनका मैं परम शिष्य यीशु शास्त्री आपके समक्ष में ये कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। और ठेठ पुरानी लाइन क्या है, ज्योत दुनिया बजाती है डमरू राखन लगोता था ज्योत वाले नए हुई। ये गुरुदेव का कहना है और बल्कि
अगर हमारी कथा में कोई त्रुटि हो तो हमसे नहीं बल्कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी से ही मिले। अरे एक बेर हम मरयो उठा बोलो राजा सुन ले मेरी बात तेरी। राजा तेरे साथ जा